हेलो गाइस, तो आई थ्री यूपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को सारे जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन इंडिया ने किए हैं भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ तीन चीज़ें मैंने देखी, ऑपरेशन का नाम, दूसरा इंडियंस को लाना है या फिर हेल्प के लिए अगर हम लोग ने किया होगा तो वो, और क्यों किया है। तो जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन कावेरी हमारा चल रहा है और हम लोग इंडियंस को सूडान से लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सूडान की आर्मी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच में वॉर छिड़ गई है। तो सिविल वॉर आप बोल सकते हो कि सिविल वॉर है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है और मैं इसी हिसाब से अभी करंट से पीछे की डेट की तरफ जाऊंगा। जैसे ऑपरेशन कावेरी हुआ, अभी इसके पहले कौन सी हुई थी, तो इसके पहले ऑपरेशन दोस्त हुई थी। अभी आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन दोस्त जो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आई थी, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक है, बहुत लोगों की जान गई और इंडिया ने हेल्प एज एन हेल्प और गुडविल के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था टर्की और सीरिया के अंदर, ताकि हम लोग उनको कुछ राशन दे सके, उनको अगर इवैक्यूएट करवाना है या फिर कहीं कुछ उठाना है, ऐसे ऐसी चीज़ें हम लोग ने उनको फूड और बाकी सारी चीज़ें दी। तो ऑपरेशन दोस्त हम लोग ने परफॉर्म किया है। मैं सिर्फ आप लोगों को नाम बता रहा हूँ और क्यों की है ये बता रहा हूँ। आपको डिटेल अगर जानना है इसके बारे में, डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने डिटेल में कोई पूछता नहीं है। आपको नाम जानना है और क्यों किया था और कहाँ किया था ये जानना है। अगर कोई गलती हो रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ गलती हो रही है और आप इसको नेट पर जाकर ढूंढ भी सकते हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन गंगा था। ऑपरेशन गंगा में हम लोगों ने यूक्रेन में जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे उनको वहाँ से अपने देश लेके आया है। ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था और हमारी गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और सारे भारतीय को वापस ले आए हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा है और अभी ये करंटली यूक्रेन और रशिया का वॉर चल ही रहा है, तो आप सोचिए कि कितना लंबा दौर तक चल रहा है। अभी ये 2022 में हम लोगों ने किया था, अभी 2023 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर्स अभी हो गए हैं। तो आप ये लोग याद रखें, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति हम लोग ने की है। ऑपरेशन देवी शक्ति हम लोग ने की थी 2021 में, जब अफगानिस्तान में जो उनकी गवर्नमेंट थी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, वो कोलैप्स हो गई थी तब। तो हमारे जो इंडियंस फंस गए थे उस टाइम से, उनको वहां से निकालने के लिए हम लोग ने ऑपरेशन देवी शक्ति की थी। तो ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, उसके बाद आई वंदे भारत। वंदे भारत के बारे में कौन नहीं जानता, और ये इतनी बुरी सिचुएशन में की गई थी, COVID-19 के सिचुएशन में, जिस टाइम में बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, बहुत सारे बच्चे भी गए, बहुत बहुत बुरा हाल था। हम लोगों को शुक्रिया करना चाहिए भगवान का कि हम लोग इस पेंडेमिक से उभर पाए हैं, पर फिर भी कहीं कहीं कोविड केसेस अभी भी है। तो वंदे भारत मिशन किया था हम लोगों ने, कोविड में जो हमारे इंडियंस फंस गए थे अलग अलग जगहों पर, वहां से अलग अलग जगहों से मतलब अलग अलग देश में, वहां से उनको वापस लाने के लिए हम लोगों ने किया था ऑपरेशन वंदे भारत। उसके बाद ये ऑपरेशन एक और था समुद्र सेतु, जहां हम लोग ने सी रूट से इंडियंस को लेके आए थे। ये भी COVID-19 पेंडेमिक जब हिट हुआ था वर्ल्ड में, उस टाइम पे हम लोगों ने ये किया था। आप लोग नाम याद रखिए और क्यों किया था ये याद रखिए। एक ही जगह पे सब रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, सिलेबस नस्ती का रहा है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं भी साइड बाय साइड यही चीजें तो पढ़ता हूँ। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ, कुछ और डिटेल अगर बताना हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे चलते हैं। उसके बाद ऑपरेशन निस्तार हम लोग ने किया था 2018 में, जब साइक्लोन यमन में हिट हुआ था सुकोटार आइलैंड में, वहां से इंडियंस को निकालने के लिए हम लोग ने किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप याद रख सकते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कौन सा हम लोगों ने एज अ गुडविल मतलब हेल्प करने के लिए किया था, कौन सा हम लोग ने इंडियंस को अपने देश लाने के लिए किया था ऑपरेशन, ये सारी चीजें थोड़ा सा ये लोग बाइफर्केट कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑपरेशन इंसानियत हम लोग ने किया था, जब बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे म्यांमार रेफ्यूजीज जो थे वो लोग बांग्लादेश के अंदर चले गए थे, तो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया, तो ऑपरेशन इंसानियत हम लोग ने किया था। उसके बाद ब्रुसेल इवैक्यूएशन हम लोग ने किया था, वो भी वहां से इंडियंस को वापस लाने के लिए, टेररिस्ट स्ट्राइक हुई थी ब्रुसेल के एयरपोर्ट पे, तो वहां से भी हम लोगों ने इंडियंस को वापस लाए थे। तो ये एक हो गया ब्रुसेल इवैक्यूएशन।
ऑपरेशन संकट मोचन जो हम लोग ने किया था, वो हम लोगों ने इंडियंस को लाने के लिए किया था वापस साउथ सूडान में, जो सिविल वॉर हुई थी। अभी सूडान में वॉर वापस चल ही रही है, तो साउथ सूडान में जो सिविल वॉर हुई थी वहां पे जो इंडियंस फंस गए थे, वहां से हम लोग उनको लाने के लिए ये ऑपरेशन किया था। उसके बाद किया था ऑपरेशन राहत। राहत में हम लोगों ने जो यमन गवर्नमेंट और हुतैरी दल के बीच में जो वॉर हुई थी उसमें इंडियंस फंस गए थे, तो यमन से लाने के लिए। तो दो यमन के भी है, दो सूडान के भी है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक यूक्रेन का है, कोविड का है, तो ऐसी सारी चीजें हैं। और ऑपरेशन मैत्री, आप लोग, मुझे नहीं पता कि कितने ऐसे यंगस्टर्स अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये वाला अर्थक्वेक याद होगा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, जो वीडियो दिखाए जा रहे थे ना न्यूज पे, अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो वीडियो देख के इतना डर लगता था, इतना खौफनाक था वो, जो नेपाल में आया था अर्थक्वेक उस टाइम पे बहुत डरावना था। जमीन फट गई थी वो, आप लगो कि 1-1 इंच, 3 इंच 4 इंच जमीन फटी, घरों में दरारें, बहुत सी चीजें हुई थी। तो उस टाइम पे हम लोग ने ऑपरेशन मैत्री चलाई थी वहां से इंडियंस को वापस लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई है जो नेपाल में काम करते हैं या नेपाल में रहते हैं और वहां पे बिजनेस भी करते हैं। तो उस टाइम पे ये ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन सेफ कमिंग जो हुई थी वो लीबिया से अपने जो इंडियंस हैं उनको लाने के लिए हुई थी, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। उसके बाद हुई थी ऑपरेशन सुकून, जब इसराइल और लेबनान के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तब हम लोगों ने ऑपरेशन सुकून चलाया था। ये 2006 की बात है, 2006। आई डोंट नो कि आप लोग में से कितने उस टाइम तो 10वीं में ही होंगे, 10वीं 9वीं में होंगे कुछ लोग, अगर जो 1990s के हैं उन लोग 10वीं 8वीं में होंगे। उसके बाद कुवैत एयरलिफ्ट वाला तो कौन नहीं जानते, इस पर पूरा अक्षय कुमार ने पिक्चर बना दिया है। मूवी तो अच्छी है ही, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई है कि ये वॉर क्यों ब्रोक हुआ, डायलॉग्स नहीं हो पा रहे थे, इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला अपने इंडियंस को वहां से। आप लोग मूवी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी। इसलिए नहीं कि मैं मूवी को प्रमोट कर रहा हूँ, पर ये है कि उसमें कुछ रेलिवेंट दिख रहा है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हुई थी ये ऑपरेशन कोमल है, ये जब हुई थी तब आप लोगों को ये तो पता ही था कि श्रीलंका में भी इशू था, इसके पूरे एक पिक्चर बनी है मद्रास कैफे, जॉन इब्राहिम की, आई थिंक जॉन जॉन इब्राहिम ही है मद्रास कैफे में, तो वो भी ऐसे ही था, पर ये ऑपरेशन के ऊपर नहीं था। वो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, क्या कैसी चीजें सिचुएशन है, वॉर है क्या है, और कैसे हम लोग ने भी उसमें थोड़ा सा मैं नहीं बोलूंगा कि पार्ट लिया था, मुझे इतना मद्रास कैफे याद भी नहीं, पर ये ऑपरेशन हम लोग ने उस टाइम पे चलाया था। इस ऑपरेशन के बारे में और आप ज्यादा ढूंढ सकते हैं गूगल पे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, तो अगर ये अभी तो ऑपरेशन चल रहा है ना करंट में, और मुझे लगता है कि यूपीएससी का पेपर ऑलरेडी बन गया होगा, तो लेकिन उससे पहले हम लोग ने ऑपरेशन दोस्त को चलाया हुआ ही है ना, तो उसके रिलेटेड में पूछ सकते हैं। तो होपफुली अगर ऑपरेशन कावेरी के बारे में ना पूछे, लेकिन ऑपरेशन गंगा और समुद्र सेतु और उसके रिलेटेड ऐसी चीज़ें पूछ सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।